Myself, Dr. Sarojini Sabat, मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डायबिटीज एंड वाटर इंटेक, इस टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि कम पानी पीने से होता है डायबिटीज, और डायबिटिक पर्सन में ज्यादा पानी पीने से कंट्रोल होता है ब्लड शुगर, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पहला ये है कि कम पानी पीने से होता है डायबिटीज, कैसे ये हो सकता है। एक आदमी अगर कम पानी पीता है, अर्थात 2 से 3 लीटर तक पानी नहीं पीता है, इससे कम पानी पीता है, तो उसका शरीर में डिहाइड्रेशन दिखाई देता है। डिहाइड्रेशन ज्यादा दिन तक रहने के कारण बॉडी में एक स्ट्रेस रेस्पॉन्स शुरू हो जाता है, और स्ट्रेस रेस्पॉन्स के कारण शरीर में वासोप्रेसिन जैसा हार्मोन रिलीज होता है। वासोप्रेसिन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज के मात्रा ज्यादा करता है, अर्थात हाइपरग्लाइसीमिया जैसा कंडीशन शुरू कर देता है। ज्यादा दिन तक यह हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन रहने के कारण डायबिटीज जैसा डिजीज स्टार्ट हो जाता है। तो फिर एक आदमी अगर कम पानी पी रहा है, अर्थात 1000 ml से कम पानी पिए, तो उसका 40 से 50% तक चांसेस होता है हाइपरग्लाइसीमिया जैसा कंडीशन शुरू होने का, और 500 ml से कम पानी पीने से और भी ज्यादा संभावना हो जाता है हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि डायबिटीज होने का। तो फिर एक पुरुष को 200 ml का एक फुल ग्लास पानी दिन में 10 बार जरूर पीना चाहिए, और एक महिला को 8 ग्लास मिनिमम 200 ml फुल ग्लास पानी दिन में जरूर पीना चाहिए। एक आदमी अगर 2 से 3 लीटर पानी पिए तो उसका शरीर में हाइड्रेशन ठीक रहता है, और वासोप्रेसिन इतना रिलीज नहीं होता है, तो फिर डायबिटीज होने का चांसेस कम हो सकता है। और एक बात, अगर एक डायबिटिक पर्सन प्लेंटी ऑफ वाटर पी रहा है, तो उसका शरीर में ग्लूकोज का मात्रा यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहने का संभावना होता है। कैसे, अगर एक डायबिटीज पर्सन ठीक मात्रा में पानी पी रहा है, 3 लीटर तक पानी एवरीडे पी रहा है, तो उसका शरीर में रिहाइड्रेशन अच्छा तरह से होता है, ब्लड में भी ग्लूकोज का मात्रा कम हो सकता है। ब्लड में ज्यादा पानी पीने से ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज किडनी के द्वारा शरीर से निकल जाता है, यानी कि ज्यादा ग्लूकोज एक्सक्रीट हो जाता है, तो फिर ब्लड में ग्लूकोज कंट्रोल में रहता है। तो फिर एक डायबिटिक पर्सन पूरा दिन में मिनिमम 2 से 3 लीटर तक पानी जरूर पीना चाहिए, ताकि उसका ब्लड ग्लूकोज भी कंट्रोल में रह सके। तो फिर ये दो चीज आपको बहुत जरूरी है जानने के लिए, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकेंगे, क्योंकि पानी भी हमारा शरीर को ठीक मात्रा में चाहिए, और ये ठीक पानी पीने से शरीर में हाइड्रेशन ठीक से होता है, और ब्लड ग्लूकोज भी कंट्रोल में रहता है। तो आइए हम हमारा शरीर को ठीक अमाउंट में पानी लें, और हमारा शरीर में ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करें। धन्यवाद।